नमस्कार दोस्तों, टैली प्राइम के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नील कुमार गुप्ता उषा माइक्रोसॉफ्ट टुडे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टैली में बजट कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक हमारे चैनल को उषा माइक्रोसॉफ्ट टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि टैली प्राइम में बजट कैसे तैयार करते हैं, तो आइए चलिए टैली सॉफ्टवेयर में देखते हैं इसको कैसे बजट कैसे तैयार किया जाता है। हमने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, और बजट बनाने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शो मोर पर जाके और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बजट। अगर आपका ये डिसेबल है तो आप यहाँ पे शो इन एक्टिव पे जाके इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारा जैसे देखिए बजट का इनेबल है, तो यहाँ से हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब पूछ रहा है नेम, तो हम बजट बनाने जा रहे हैं अप्रैल मंथ का। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अप्रैल मंथ, अब इंटर करके नीचे आएंगे, इसको प्राइमरी जाने दे रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम टाइप करेंगे कब से कब तक का बनाना चाहते हैं, तो 1/4/2024। इसमें हम लोगों का एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है कि हम लोगों का एजुकेशनल मोड है, तो एजुकेशनल मोड में हम लोगों का एक लास्ट मंथ नहीं लेता है। एजुकेशनल मोड में बस दो ही डेट आप लोगों को एंट्री करने के देता है, तो इसलिए हम मई मंथ का बना रहे हैं बजट। यहाँ पे हम अप्रैल को हटा के मई लिखेंगे, ठीक है, मई मंथ। जैसे हमने मई मंथ लिख दिया, इंटर करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/5/2024, देखिए आ गया, फिर 31/5/2024। अब हम एक चीज़ और हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ से बजट बनाने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा कि बैक आके यहाँ से क्रिएट में जाके और लेजर तैयार कर लीजिएगा जिस चीज़ का बनाना होगा। तो जैसे हम बना रहे हैं स्टॉप का, ठीक है, इंटर करके नीचे आएंगे, इसको आप लोगों को रखना है अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट अप्लीकेबल एक्टिव करा दिए, और दूसरा हम मैनेजमेंट का बना दे रहे हैं, मैनेजमेंट का बजट, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ऐसे ही और बनाना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रीशियन का बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन का बजट, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, यहाँ से बजट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो जैसे हमने तीन लेयर, आप और भी बना सकते हैं, तो तीन ही लेजर पे बताना चाहते हैं। यहाँ पर बैक आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, फिर यहाँ से नहीं दिखा रहा है, शो मोर पे जाएंगे, बजट पे जाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मई मंथ का बजट, ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर यहाँ पे लिखेंगे 1/5/2024 से 31/5/2024। अब ग्रुप वाइज हमने लेजर वाइज बनाया, तो लेजर पे आके इसको यस करेंगे, यस करेंगे जैसे, तो देखिए हमारे सामने इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे देखिए दे रहा है, तो हमारा स्टॉप का कितना बजट है, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने लिख दिया 15,000, ठीक है, इंटर करेंगे। फिर दूसरा क्या था, मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इनको अमाउंट दे रहे हैं 5,000, इंटर। फिर इलेक्ट्रीशियन का 1500 कर रहे हैं, इंटर करेंगे, एक मिनट, यहाँ से इंटर करेंगे 1500, इंटर करके और यहाँ पे कर देंगे इन प्लेस, ठीक है, इंटर करके और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा मई मंथ का बजट हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ही टैली प्राइम में आप लोग बजट आप लोग बना सकते हैं, जिस मंथ का चाहिए उस मंथ का आप लोग बजट बना सकते हैं। तो यहीं पर हम आप वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो को क्लोज करने से पहले आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि उषा माइक्रोसॉफ्ट टुडे चैनल को अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।